ओके तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि लेयर थ्री स्विचिंग, यू नो लेयर थ्री स्विचेज एंड ऑल वो कैसे काम करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन की, राइट। तो बेसिकली ये सारा उसी के बारे में है। ईथर चैनल का तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही आता है कि मैं अगर बताऊँ, यहाँ पे सेम काइंड ऑफ लुकिंग नेटवर्क है आपके पास। तो इस साइड हमने वीलैन 10 लिया था, इस साइड हमने वीलैन 20 लिया था। तो आई होप कि आप जो बेसिक एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे यू नो कॉन्फिगर कर सकते हैं। पर अभी आप थोड़ा सोचिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल लिंक्स लिए हुए, क्योंकि मेरे को क्या करना है, लेयर थ्री यू नो पोर्ट चैनल या इथर चैनल कॉन्फिगर करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं नॉर्मल व्हाट क्या बोलते हैं राउटिंग, है ना, तो कितने लिंक है अब आपके पास यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। तो आपको कितने नेटवर्क यूज करने पड़ेंगे, 3 नेटवर्क ना, मान लो 30.0, 40.0 एंड 50.0, 1 फॉर ईच लिंक। ओके, तो एक तो ये हुआ कि आपका आईपी एड्रेस स्पेस वेस्ट हो रहा है, पहली बात। दूसरा क्या हो रहा है आपके पास, अब मान लो इसमें ना, मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, स्टैटिक आईपी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फिगर की थी। अब की बार मैं क्या करता हूँ कि अगर आप राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि स्टैटिक तो आप प्रेफर करते नहीं है, मैनेजमेंट एंड ऑल वो सारे इश्यूज हैं, तो आपने क्या कर दिया, मान लो AIGRP या OSPF कॉन्फिगर कर दिया फॉर एग्जांपल। अब OSPF और AIGRP किस बेस पे काम करते हैं, बाय सेंडिंग हेलो मैसेजेस। तो यहाँ पे आपको कितने मैसेजेस भेजने पड़ रहे हैं, 3। और ये तो मैं छोटे से एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ मेरे पास सिर्फ 2 ही स्विचेस हैं और जहाँ पे सिर्फ 3 ही लिंक है। टॉक अबाउट द प्रोडक्शन नेटवर्क्स वेयर यू हैव यू नो बिगर स्केल नेटवर्क्स, है ना, वर्किंग लाइक दिस। तो वहां पे क्या होगा, आपके लिए ये एक कंसर्न है। तो आप चाहे तो उस कंसर्न को पोर्ट चैनल का हेल्प लेके और कुछ हद तक उसनो यू नो यू कैन रेक्टिफाई दैट। कैसे, जैसे राउटिंग में क्या होता था, आपको बैकअप चाहिए था, जो लोड बैलेंस करना था उसके लिए आपको मल्टीपल लिंक आप लगा सकते हो, पर उसमें क्या है, राउटर के पास बैकअप के लिंक तो है लेकिन राउटर को मशक्कत ज्यादा करनी पड़ रही है, मतलब उसका जो CPU ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि उसको 3-3 नेबरशिप मेंटेन करनी पड़ रही है, 3-3 बार हेलो मैसेजेस भेजने पड़ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर तीनों को मिला के एक सिंगल पोर्ट चैनल बना दूं तो क्या रहेगा, फिर वो एक सिंगल इंटरफेस की तरह काम करेगा ना। तो ये आपको सिर्फ एक यहाँ पे अब सिंगल आईपी कॉन्फिगर करनी पड़ रही, समझिए, राइट। तो पहले तो ये बेनिफिट हुई, और अब आपको नेबरशिप भी सिर्फ कितनी रखनी पड़ेगी, सिंगल। तो हेलो मैसेज भी कितना भेजना पड़ेगा, सिंगल। तो ये सारा मैंने थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, वो आपको लास्ट में मैं दे दूंगा यू नो वीडियो के अंदर, बट पहले एक बार जान लेते हैं कि कॉन्फिगरेशन करनी कैसे, ठीक है। तो पहले तो मैं वीलैन 10 इसके अंदर बना दूं, VLAN 10 20 इसके अंदर बना दूं, पोर्ट ऐड कर दूं। तो वीडियो पॉज करके ये वाले कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं मैं, और एक इस पे भी VLAN 10 बनानी है, इस पे VLAN 20 बनानी है, क्योंकि इन पे SVIs आपको क्रिएट करनी है। जब तक VLAN ऑन नहीं होगी उस स्विच के डेटाबेस में, SVI अप नहीं आएगी, तो इसको ट्रंक बना दूंगा। तो ये सारे काम करके मैं मिलता हूं जस्ट विद इन सेकेंड्स। ओके, तो इन 3 स्विचेस पे मैंने कर दिया, पर एक पे मैं आपको करके दिखा देता हूं, राइट। तो ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेश हो जाए मेमोरी, है ना। तो इस पे क्या किया मैंने, देख लीजिए एक बार, कमांड क्या यूज करेंगे, शो हिस्ट्री कर लेते हैं एक बार, है ना, शो हिस्ट्री। देखो मैंने सिर्फ ओके, मेरे को जाना पड़ेगा थर्ड मोड में, ओके, तो डू शो हिस्ट्री, क्योंकि आपको हिस्ट्री किस मोड की चेक करनी है, थर्ड की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल इंटरफेस FL0/1 को किसमें डाला है, विलन 10 में, और 0/2 को क्या बनाया, ट्रंक, दैट्स इट। सेम मैंने किसमें, इस वाले स्विच के अंदर भी, अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे मेरी, तो डू शो हिस्ट्री, इट्स नॉट अ गुड हैबिट बाय द वे, नो किसी की हिस्ट्री चेक करना, बट एनीवे, तो यही हमने सेम किया है ना। ओके, देन इस स्विच पे आप चलिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर अगेन सेम थिंग, ये देखिए मैंने जो आपका FL0/1 है पोर्ट जो जुड़ा है कहाँ पे, इस L2 स्विच से, है ना, ये 0/1, इस स्विच पे जाके अपने को क्या करना है, .1 की इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है, उसको ट्रंक बनाना है, फिर VLAN 20 इंटरफेस सेलेक्ट करके उसको आईपी देनी है, लेकिन अभी भी आप नहीं आएगा क्योंकि मैंने VLAN नहीं बनाई थी, तो मैं भूल गया था, तो मैंने इसलिए VLAN बना दी थी। तो अब की बार इस पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, VLAN बनाऊंगा, कौन से बनानी है, अब की बार 10, ओके, तो VLAN 10, अच्छा थर्ड मोड। उसके बाद जब आप इसको इंटरफेस VLAN पे लेके आएंगे तो देखिए अपने आप अप आ जाएगा, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो आपको अप दिखाएगा, राइट। आईपी एड्रेस डाल दीजिए 10.1.255.0, एग्जिट। फिर आपको क्या करना है, जो आपका पोर्ट है 0/1 इंटरफेस FA 0/1, इसको बना देना है स्विच पोर्ट मोड
ट्रंक, और उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन को स्टार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो ट्रंक बनेगा। दैट्स इट, इतना काम हमारा हो गया। इस पे आईपी मैंने कॉन्फ़िगर कर दी है, आप चेक कर सकते हैं 10.11 10.1 इस पे 20.11 20.1, अब तक कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने मिस नहीं किया है इनके बीच में, पर फिर भी कॉन्फ़िगरेशन इतना होने के बाद भी वो यू नो कम्युनिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। तो अब मैं अगर ट्रेडिशनल वो यूज करता वे, तो FA0/2 पे 30.1 डालता, इस पे 30.2 डालता, 0/3 पे इधर 40.1 डालता, इधर 40.1, मतलब तीनों पे आईपी देता, इस पे राउटिंग करता। तो स्टैटिक राउटिंग अगर आप करते तो आपको क्या डालनी पड़ती, इधर के लिए 20, इधर के लिए यू नो 10, और डायनामिक आप यूज करना है तो आपको देखो, मान लो आपने क्या यूज करना है, EIGRP मान लो, या फिर हमने OSPF किया हुआ तो OSPF मान लो, वैसे EIGRP हम करेंगे आगे भी तो उसमें ये सारे डिस्कस करूंगा मैं। तो राउटर EIGRP मान लो आपने एक AS नंबर दे दिया 1, तो इसमें आपको नेटवर्क कौन से देने पड़ेंगे। देखो एक तो आपको 10 का देना पड़ेगा, एक इसी तरह से नेटवर्क आपको मान लो 20 का आप यूजर यूज कर रहे हैं ना, 30 का देना पड़ेगा, 40 का देना पड़ेगा, और आपको 50 का देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप तीन नेटवर्क यूज कर रहे हो ना इधर 30 40 50। ऐसे ही आप इधर भी जाओगे, EIGRP चलाओगे, सारे नेटवर्क दे दोगे, नहीं तो एक सिंपल सी कमांड भी होती है नेटवर्क 0000 करके, पर आपको मैं यू नो लॉन्ग शॉर्ट बता रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे होता, तो नुकसान क्या होता उससे। तो आपको यहाँ पे तीन हेलो मैसेजेस भेजने पड़ रहे हैं, सेम इधर करोगे। तो उसकी बजाय आप क्या कर दो, यहाँ पे यूज कर लो लेयर 3 यू नो पोर्ट चैनल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लेयर 3 पोर्ट चैनल का, तो उससे लोड बैलेंसिंग भी, फॉल्ट टॉलरेंस भी, और आपका CPU लेस कंजम्पशन भी, सारे के सारे मेरे पास यू नो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कैसे करें, ठीक है, तो आप चलिए एक बार, तो पहले तो ये काम करना मत भूलिएगा आईपी राउटिंग वाला, है ना। तो दोनों स्विचेस पे जाके और आईपी राउटिंग इनेबल कर दो, अदरवाइज यू नो आप सोचते रह जाएंगे कि यार मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ लेकिन गड़बड़ कहाँ आ रही है ना, तो ये नहीं आएगी, राउटिंग इनेबल नहीं होगी। दूसरा उसके बाद आपको क्या करना है, आप चेक करिए आपकी कौन से इंटरफेस रेंज है यहाँ पे, 2, 3, 4 रेगुलर भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस भी, या फिर यू नो डिसकंटिन्यूस भी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो रेंज की कमांड कैसे यूज करनी है आपको, तो ये मैं एक बार इसको नाम दे दूं, है ना, नहीं तो ये क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी हमारे लिए। लेयर 3 ये मेरे पास है स्विच 1 आई थिंक, है ना, और ये मेरे पास है होस्ट नेम लेयर 3 स्विच 2। ओके, तो दोनों पे रेंज मैंने सेम रखी है, इंटरफेस रेंज FA0/2 to 4। ओके, तो सबसे पहले तो काम कर लीजिए आप, इनको क्या करो, नो स्विच पोर्ट क्या बना दो, राउटेड पोर्ट बना दो। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी करो इंटरफेस FA0/2 to 4। ओके, इंटरफेस रेंज FA0/2 to 4 नो स्विच पोर्ट, तो अब ये कौन से होने चाहिए, आपके राउटेड पोर्ट, ठीक है। फिर आप इसको क्या कर दो, शट डाउन, ठीक है, ये आपको चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखने। राउटर के केस में तो वो पहले ही शट डाउन होते हैं तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जब तक आप दोनों साइड आपकी वो कॉन्फ़िगरेशन ना आ जाए जो आपको चाहिए है, तो तब तक आप उस पोर्ट को क्या रखिए, डाउन रखिए। ये चीज याद रखने वाली है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है इसका रियल नेटवर्क में, यू नो, क्योंकि मैंने क्या बोला था इंटर चैनल की ट्रबल शूटिंग में भी, मैं आपको ये पॉइंट दिखाऊंगा कि मेन इशू ही यही होता है कि एक साइड कुछ कॉन्फ़िगरेशन, एक साइड कुछ है, और यहाँ पे अगर आप शट नहीं कर रहे हैं तो एक साइड के पैरामीटर आप चेंज कर रहे हैं, दूसरे के नहीं कर रहे, तो हो सकता है CDP तुम्हारा व्हीलर और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक दूसरे के साथ मिंगल अप हो के आपको कोई प्रॉब्लम दे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा नेटवर्क हैम्पर हो, और ये सब करने के लिए एक और चीज याद रखिएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन नेटवर्क की बात बताता हूं, आपको डाउन टाइम लेना पड़ता है, मतलब आपका नेटवर्क कुछ टाइम के लिए डाउन रहेगा जब तक आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। पहले ही मेलिंग और आपको अप्रूवल्स वगैरह अपने सीनियर्स और बॉसेस से लेके रखने पड़ते हैं कि हाँ इससे इस टाइम तक मैं ये सारे काम कर रहा हूं, तो नेटवर्क इस वाले पार्ट में या सारे पार्ट में डाउन रहने वाला है, प्लीज अलाउ मी टू डू दैट। ओके, तो उनके लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको अलाउ तो करेंगे ही, पर आपको अपने एंड पे कुछ नहीं रखना है, अपने एंड पे कुछ कोई डिसीजन नहीं लेना है, राइट। तो हीरो नहीं बनना है वहां पे, सिर्फ अपना काम करना है जिसकी आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो शट डाउन किया मैंने दोनों साइड, आई थिंक इस साइड भी कर दिया और मैंने इस साइड भी कर दिया है। तो पहले स्विच पे चलता हूं मैं, लेयर 3 स्विच 1 पे। अब क्या करना है, वही सेम कमांड, चैनल ग्रुप, मैंने क्या लिखा था वहां पे कि मैं नंबर 1, और ये कुछ भी नंबर हो सकता है, आप सेम या डिफरेंट जो भी रखिए। मोड, मैं स्टैटिक यूज करूं कि डायनामिक यूज करूं, तो अगर आपके पास राउटर है तो कोई चॉइस नहीं है कि उसमें तो आपको स्टैटिक यूज करना पड़ता था, यहाँ पे आपके पास चॉइस है। तो मान लो मैं क्या यूज कर लेता हूँ, एक्टिव यूज कर लेता हूँ, ठीक। दूसरी साइड क्या रिकमेंडेड होता है, अगर आप एक साइड यूज कर रहे हो एक्टिव, तो पैसिव रिकमेंडेड होता है। ओके, तो एक्टिव नेगोशिएशन अनकंडीशनल वाली आप एक ही साइड चलाओ तो बेहतर है। डन हुआ इतना इस साइड,
तो यहां से आप एग्जिट करिए और चलिए अब इंटरफेस पोर्ट चैनल वन के अंदर, ठीक है। यहां पे एक आईपी दे दो। अब यहां पे आपको आईपी देना है 30.1.255.0.0.0। एग्जिट, ऐसे ही आप यहां पे भी चलिए एग्जिट करिए इंटरफेस पोर्ट चैनल वन, तो आईपी एड्रेस 30.2। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है। अब की बार मैं किसी फिजिकल इंटरफेस को आईपी नहीं दे रहा हूं, मैं किस इंटरफेस को आईपी दे रहा हूं, पोर्ट चैनल वाले इंटरफेस को, राइट। और इस वजह से सिर्फ एक ही इंटरफेस होगा, तीनों लॉजिकल वो मिल सॉरी फिजिकल पोर्ट मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, एक लॉजिकल इंटरफेस। सो शो और इंटरफेसिज, हाँ इंटरफेसिज में आप चेक कर सकते हो, आई थिंक पोर्ट चैनल वन। सी आप सारे डिटेल देख सकते हो, इसमें आईपी क्या डाल ली आपने, ये वाली आईपी डाल ली है, हाफ डुप्लेक्स है कि फुल। अब ये देखो इंटरेस्टिंगली स्पीड क्या दिखा रहा है आपको, 400 Mbps, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या फिर आप शो इथर चैनल समरी भी कर सकते हो अगर आपको एक वो चाहिए इन शॉर्ट। तो पोर्ट चैनल वन बनाओ, इसके अंदर कौन से इंटरफेस डाले आपने, 2, 3, 4 डाले हुए। आर का मतलब क्या होता है, ये किस तरह का इथर चैनल है, लेयर 3, ओके। अगर लेयर 3 होता तो क्या लिखा था, एस लिखा था वहां पे। यू का मतलब क्या, डी है, अच्छा ये डाउन है, बता सकते हैं क्यों डाउट है, सोचिए अपने माइंड में अभी। तो आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि मैंने अभी तक उसको नो शट नहीं किया है, याद है रेंज ऑफ इंटरफेसेस को, ठीक। तो ये इसलिए क्या दिखा रहा है, डाउन। तो चलिए वो काम भी कर देते हैं। तो इंटरफेस रेंज FA0/224 एंड इसको क्या कर दो, नो शट डाउन, एग्जिट। ऐसे ही आप सेकेंड वाले पे चलिए और इसमें भी डाउन दिखाएगा, शो इतर चैनल अगर आप समरी करते हो, देखिए डी फॉर डाउन, राइट। तो इंटरफेस रेंज FA0/224 एंड आप क्या करेंगे इसको, नो शट डाउन। ये देखिए अब आपको अप दिखाएगा सारा का सारा, इसको क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए, फास्ट फॉरवर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए अब आप क्या लगता है कि कौन कम्युनिकेशन आएगा, तो लेट्स ट्राई दैट, फिंगर क्रॉस्ड। आईपी है, ओके, गेटवे है, सब कुछ है। तो पिंग 20.11 अनरीचेबल, क्योंकि Something is missing. They are acting as router and we don't have routing, right? तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? Routing configure करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कौन सी routing करें? मान लो EIGRP या OSPF, whatever. तो इसमें आपको बस सिंपल एक काम करिए, सारे नेटवर्क देने की जरूरत नहीं है, आप 000 कर दीजिए। इसका मतलब जितने भी आपके रूट्स होंगे वो सारे के सारे EIGRP के अंदर आ जाएंगे, नो? आपके डायरेक्टली कनेक्टेड वाले। और इसमें एक काम और होता है नो ऑटो समरी का, वो बताऊंगा बाद में, पर फिलहाल तो जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब रेटिंग नहीं कर रहे हो। तो जब सब रेटिंग आपने कर रखी हो तो जरूरत पड़ती है राउट, ये आपका जरूरी है। EIGRP में जो आप EID यूज करते हैं सेम होनी चाहिए एक राउटर पे, एक डोमेन के अंदर। अगेन नेटवर्क 000, ये देखिए आपको अपनी एडजेसेंसीज मिलने लगेंगी। एग्जिट, डू शो आईपी रूट, अगर आप चेक करेंगे तो देखिए आपके पास सारे रूट है 10, 20, 30। 10 का कैसे लर्न किया इसने, D4 ड्यूअल एल्गोरिथम जो EIGRP का होता है, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग देखिए आप कैसे जुड़ा है, ये पोर्ट चैनल से जुड़ा है, ठीक है। ये आपका यू नो एक इंटरेस्टिंग सी बात है। यहाँ पे 30 वाला भी किससे जुड़ा है, पोर्ट चैनल पे आपने कॉन्फ़िगर, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है लेकिन आईपी आपने किस पे कॉन्फ़िगर करी हुई है, पोर्ट चैनल वन पे। तो ये किसके लिए है, देखो अब ये भी देखो गौर से, ये 20 वाला है आपका किसके लिए, VLAN 20 जो आपने SVI बनाई थी, है ना। तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस नहीं दिखा रहा आपको, ये इंटरेस्टिंग होता है लेयर 3 स्विचेस के अंदर, है ना। चलिए तो इस पे भी ऐसे ही मिलेगा आपको, डू शो आईपी रूट करोगे, डू शो आईपी रूट तो आपको रूट दिखा रहा है ना। तो ये पोर्ट चैनल 1 के थ्रू, ये भी, और एक VLAN 10 के SVI के थ्रू। चलिए फिर अब देखते हैं दोबारा से पिंग करके। सी वी हैव द रिप्लाई, ओके। तो दिस इज हाउ योर लेयर 3 यू नो पोर्ट चैनल एंड ईथर चैनल वर्क, राइट। पॉज करते हैं, कितना टाइम हो गया वीडियो, अच्छा 13 मिनट ही हुई है। ऐसे ही सेम आप क्या कर सकते हैं, राउटर के केस में भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। राउटर के बीच में अगर आपको यू नो ये लेयर 3 ईथर चैनल बनाना हो तो कैसे करते हैं, तो मान लो ये दो राउटर हैं और इनके बीच में दो इंटरफेसेस हैं, ठीक है, 0/0, 0/1। तो आप राउटर्स पे जाइए, इनेबल कॉन्फ इंटरफेस रेंज FA0/122, ठीक है, 0/122, वाई नॉट वैलिडेटेड, कौन सी इंटरफेस है मेरे पास, 0/0 and 1, अच्छा ओके 0/0 1, यू नो स्विच वाली आदत पड़ी हुई है ना, उसमें 0/0 होता नहीं है। तो चैनल ग्रुप क्या नंबर देना है, मान लो आपने 1 ही दे दिया, उसके बाद
क्या लगता है यहाँ पर कोई मोड सिलेक्शन है आपका? नो no. पर स्टिल आपको राउटर में मोड सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें आप यू नो डायनामिक नहीं यूज कर सकते, उसमें आपको स्टैटिक ही करना होता है ना, उसमें कोई प्रोटोकॉल वगैरह आप नहीं आते, ये इसमें नहीं दिखाएगा आपको लेयर थ्री राउटर के केस में, है ना। पर फिर भी जब मैंने इतनी कमांड भी चलाई तो क्या दिखा रहा है, चैनल ग्रुप वन डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉन्फिग। तो स्विच के केस में तो ऐसा कोई नहीं आया था अपने पास, यू नो कोई नोटिफिकेशन मैसेज या एरर मैसेज, यहाँ पे आया क्योंकि स्विच में आप इंटरफेस जो आपको याद है मैंने क्या किया था ऊपर कि इसको मैंने पहले पोर्ट चैनल बना दिया था और फिर इंटरफेस पोर्ट चैनल वन पे आईपी कॉन्फ़िगर की थी, है ना। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ये है कि राउटर के केस में आप क्या करेंगे, इंटरफेस रेंज FA0 बाय अच्छा सॉरी नॉट रेंज एक्चुअली पोर्ट चैनल, इंटरफेस पोर्ट चैनल पहले कॉन्फिगर करना पड़ता है आपको दोनों साइड वाले राउटर पे, उसके बाद आप बंडल करवा पाओगे लिंक्स को। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली, करके दिखा देता हूं। राउटर पे चलिए, एग्जिट करिए, इंटरफेस पोर्ट चैनल, ये जो आप यहाँ पे नंबर रखेंगे ना, ये नंबर आपको यहाँ के लिए डिसाइड करना है, ठीक। बस इतना करना, एग्जिट कर दीजिए और इंटरफेस रेंज, ये जो आपकी कमांड थी कौन सी, ये वाली। अब अगर आप कमांड चलाएंगे चैनल ग्रुप वन एंटर, सी नाउ इट्स डन। तो मतलब क्या हुआ कि राउटर्स के केस में ये आपको पहले नंबर जो यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आप ये नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके, तो एग्जिट, सेम काम आप कर दीजिए दूसरे राउटर पे। तो इनेबल कॉन्फ इंटरफेस पोर्ट चैनल वन और यू नो एग्जिट, देन आप क्या करेंगे इस पे इंटरफेस रेंज FA0/0 to 1 एंड आपका चैनल ग्रुप वन एंड दैट्स इट। इसमें कोई मोड वगैरह कुछ नहीं, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा स्टैटिक ऑन को, ठीक। अब क्या करना है, अब बाकी चीजें वही कि आपको इसको अब फिजिकल इंटरफेस पे आईपी नहीं देनी, किस पे देनी है, लॉजिकल पोर्ट चैनल वाले को। बस इंटरफेस पोर्ट चैनल वन आईपी एड्रेस व्हाटएवर, लेट्स से 10.1, फिर आपका सबनेट मास्क। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आप इसको इतना ही छोड़ देंगे ना जैसे मैंने छोड़ दिया तो ये अपनी आएगा कभी भी। तो लेयर थ्री के पोर्ट चैनल्स बाय डिफॉल्ट आप होते हैं, पर लेयर थ्री स्विचेस के पोर्ट चैनल आप होते हैं बाय डिफॉल्ट, राउटर्स के नहीं होते, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उनको आपको नो शट करना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस 10.2 दिया, 255 दिया, स्टिल दे आर नॉट अप, सी। तो व्हाट यू नीड टू डू, नो शट डाउन, जो आप रेगुलर करते हो अपने यू नो नॉर्मल इंटरफेसेस के अंदर, नो शट डाउन, एग्जिट, स्टिल दे आर डाउन। व्हाई, बिकॉज अभी आपने पोर्ट चैनल को ऑफ किया है, पर एक्चुअल जरूरी कौन सा है, जो आपका यू नो एक्चुअल इंटरफेसेस है, कौन से वाले, 0/0 to 1 वाले, ये जरूरी है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे इंटरफेस रेंज FA0/0 to 1 नो शट डाउन, अब आपका लिंक आ पाएगा और आपका पोर्ट चैनल आ पाएगा। तो शो इथर चैनल क्या मैं यूज कर सकता हूँ, शो पोर्ट चैनल, अच्छा इसमें क्या कमांड होती थी, शो, देखनी पड़ेगी भाई क्या कमांड थी इसमें ना, शो इंटरफेसेस, do we have port channel here, तो yes we have port channel, कौन से वाला देखना है, one, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गेम है जी आपका सारा का सारा port channel का, layer 3 का, in between the, और अब आपको routing वगैरह करनी है तो बस कुछ नहीं, routing protocol के अंदर अब ये single link use करना है, दो नहीं होंगे, single link आपका 10.0 का use होगा, है ना, बाकी वही सारा same game है इधर वाला। okay, तो चलिए अब थोड़ा चलते हैं slides की तरफ, और ये है जी आपका सारा जो मैंने आपको बताया है अभी, ये theory है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में, मेल पे मुझे जरूर बताइएगा, राइट। सो योर कमेंट्स, योर फीडबैक, योर सजेशंस, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल यू नो फॉर अस टू ग्रो। यही है जिनके थ्रू हमें फीडबैक मिलता है, पता चलता है कि यार क्या बेहतर करें, क्या और एड ऑन हो सकता है, तो नेक्स्ट टाइम वी ट्राई, है ना। तो जैसे आप में से ही किसी ने बोला था शायद मुझे मेल पे, की कमेंट पे, आई डोंट नो, कि जो हम एज में यूज करते थे तो वो थोड़ा सा क्या लगता था कि क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो एक टेक्निकल वर्ड होता था, मतलब वो एक काइंड ऑफ अच्छा सा नहीं लगता था, हाफ स्क्रीन दिखती थी और वो सब। तो किसी ने सजेस्ट किया कि सर ट्राई करिए अगर फुल स्क्रीन आ सके तो यस आई ट्राइड, शुरू में अनकंफर्टेबल था तो, बट यस वी लर्न, वी ग्रो एंड वी इवॉल्व, राइट। तो ये वो प्रोसेसेस है जो मैंने आपको बताया अभी। तो कॉन्फिगर EIGRP आई थिंक ये लास्ट में आएगा, है ना, बाकी सारे काम करिए और बाद में आप राउटिंग करिए, तब ज्यादा सेंस बनती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये पढ़ना, ये आपको यू नो एक्चुअल में चलेगा ये GNS3 पे या रियल स्विचेस पे, पर पैकेट ट्रेसर में ये नहीं हो पाएगा। तो ये सारी वेरिफिकेशन है,
आप करके देखिएगा जरा, तो इट विल मेक सेंस। और हाँ, यहाँ पे मैंने ये IGRP ही लिखा, आप OSPF भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, बस राउटिंग होनी चाहिए कोई भी हो। SVIs का जो फंडा था, SVI क्यों करते हैं ये आपके लिए कन्फिगर, यू नो, क्लियर होना बहुत जरूरी है। ट्रबल शूटिंग, तो ये सारी, इनमें से कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जो नई होगी आपके लिए, ठीक है? तो आप पढ़ लीजिएगा, इट विल मेक सेंस, बट ये है बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कुछ ट्रबल शूटिंग के कमांड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आपके, सारे एक्टिव हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन हो दोनों, ऐसा ना हो कि एक साइड आपने PAGP यूज कर ली, एक साइड आपने LACP यूज कर ली, नहीं। अगर एक साइड एक्टिव है तो दूसरे साइड डिजायरेबली ऑटो नहीं रखना, वो पैसिव ही होना है ना। एक साइड ऑन है तो दूसरे साइड आपको LACP या PAGP नहीं, तो दोनों साइड ऑन होना चाहिए। तो यही सारी बातें, ये कुछ कमांड्स हैं आपकी रेफरेंस के लिए, जो हमने अभी तक किया है, तो उसको मैंने अंडर यू नो एक दो पेजेस पे समेट के लिखा है, ताकि थोड़ा हेल्प हो आपको। कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, आप आंसर करिए विदाउट यू नो, और इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर देता नहीं हूँ, ठीक? तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, किसी का अगर आपको आंसर में यू नो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वी विल डिस्कस देयर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके, सो दे आर फॉर यू ओनली। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी डिस्कस कर सकता हूँ, बट नहीं, आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, राइट? सो लेट योर थॉट ट्रेन फ्लाई, एंड यस, दैट्स इट अबाउट ईथर चैनल। वी डिस्कस्ड अ लॉट, आई थिंक अकॉर्डिंग टू CCNP, और लेयर 2, लेयर 3, कॉन्फिगरेशन, थियोरेटिकल, एवरीथिंग वी ट्राई टू कवर, बट स्टिल इफ यू थिंक कि कुछ मिसिंग है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू कवर दैट, ओके? तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज हम क्या रखेंगे। कुछ स्विचेज बचे हैं, आई थिंक चेसिस स्विचेज हैं, स्टैक स्विचेज हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियोज लेके आऊँ, कुछ एक्सप्लेन करूंगा, और अदरवाइज फिर विल स्टार्ट व्हाट OSPF और आई डोंट नो BGP whatever। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किसके बाद CCNP का कौन से वाला पार्ट पे सीरीज लाई जाए, अदरवाइज मैं OSPF या BGP के बारे में सोच रहा हूँ, ओके? तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मस्त रहिए। बाय बाय।